दोस्तों, क्या आपका घर का जियोटेक हुआ है? अगर नहीं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2023-24 के अंतर्गत अब आप खुद से अपना घर का जियोटेक कर सकते हैं। ये दोस्तों भारत सरकार द्वारा ऐलान कर दिया गया है। इसके लिए ना यूजर नेम ना पासवर्ड की ज़रूरत है, अब आप खुद से अपना घर का जियोटेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को कम्प्लीट प्रोसेस बताऊँगा कि आप कैसे जियोटेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और दोस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहां पर आपको सर्च करना है आवास ऐप। जैसे दोस्तों आप आवास ऐप सर्च करते हैं, सेकंड नंबर पर आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप ओपन कर लें। जैसे दोस्तों आप ओपन करते हैं, यहाँ पर जितने भी परमिशन मांगेगा आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको सबसे ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इन्फेक्शन लॉगिन। तो दोस्तों इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के लिए, जो कि आपके पास नहीं है। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा बिना यूजर नेम और पासवर्ड के आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं और अपना जियोटेक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए यहां से आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आपको नीचे मिलेगा बेनिफिशियरी लॉगिन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और मनरेगा जॉब कार्ड। ये दोस्तों चार नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर आपको नंबर इंटर करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को इंटर कर देते हैं और इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट स्टेट। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहां पर अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको नीचे मिल जाएगा सिलेक्ट स्कीम। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को सिलेक्ट करते हैं, आपको नीचे मिल जाएगा सबमिट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी को यहाँ पर आप इंटर करके यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करते ही यहाँ पर लॉगिन हो जाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना ओटीपी इंटर करके और लॉगिन कर लेते हैं। जैसे दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पर्सनल। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जितने भी रहेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं फिजिकल। तो दोस्तों इस फिजिकल के ऑप्शन में दोस्तों आप अपना घर का जियोटेक कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं फाइनेंशियल। तो दोस्तों यहां पर आपका जितना भी पैसा आएगा, यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर आपका अमाउंट आ जाएगा। अगर दोस्तों आपका एक भी अमाउंट नहीं आया है तो दोस्तों यहां पर आपको कुछ नहीं ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों इसके बाद आपको फिजिकल में आ जाना है और फिजिकल में आने के बाद दोस्तों आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा एग्जिटिंग साइट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना घर का पुराना फोटो अपलोड करना है। एक से दो फोटो यहाँ पर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने का प्रोसेस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपलोड एंड वेरीफाइड। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा अपलोड। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना घर का फोटो खींच के यहाँ पर आप लोग अपलोड कर सकते हैं, जो कि दोस्तों इस लाभार्थी का यहाँ पर आप लोग डिटेल्स देख सकते हैं। इसका घर का फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद यहाँ पर आप लोग एक ऑप्शन देख सकते हैं प्रपोज साइट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक फोटो अपलोड करना है। आप जिस जगह पर घर बनाना चाहते हैं उस जगह का यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फोटो को अपलोड कर देना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस लाभार्थी का यहाँ पर फोटो ऑलरेडी अपलोड है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी फोटो को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है और इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाउस सेक्शन। इसमें दोस्तों आपको कुछ अपलोड नहीं करना है, इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्लेंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग दो फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जैसे ही अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना होगा। तो ये दोस्तों आप जहाँ पे आप घर बनाइएगा, आपका घर का जब चबूतरा हो जाएगा तब यहाँ पर आपको फोटो को अपलोड करना है। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ड्रॉप कैश। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग छह फोटो अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका
जब भी लिंटन तक घर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट। यहाँ पर दोस्तों आप 7 फोटो अपलोड कर सकते हैं। जब भी दोस्तों आपका घर कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोग 7 फोटो डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप फोटो डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से अपना घर का जियोटेक कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।